हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ पोएम वीडियो ओके ऑफ क्लास 8 इंग्लिश रीडर हनीड्यू बुक जो है उसका ये पोएम है। तो ये पोएम जो है ये आपके चैप्टर 3 के बाद दिया है। चैप्टर 3 था ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था और ये पोएम उसके बाद दिया है। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश के रीडर बुक में हर चैप्टर के बाद पोएम दिया होता है ना। तो इस पोएम को आज हम लोग देखते हैं। तो चैप्टर का है मैकेविटी। मैकेविटी क्या कौन है? एक मिस्ट्री कैट है, रहस्यमयी या रहस्य वाली बिल्ली है। यहाँ पूछ रहा है कि डू यू हैव अ पेट कैट, कैट क्या आपके पास कोई पेट कैट है? हैव यू एवर नोटिस एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट, क्या आपने कभी इसके बारे में कुछ भी मिस्टीरियस, कुछ रहस्यमयी नोटिस किया है? फिर है कि इट इज़ नॉट ईजी टू से, लेकिन ये ईजी नहीं है कहना कि सभी जितने भी बिल्ली होती है वो मिस्ट्री ही वाली होती है, रहस्य वाली ही होती है, लेकिन मैकेविटी नाम की जो एक बिल्ली है, कैट है, वो उनमें से वन है। और वॉट इज़ दैट मेक्स यू अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट, ऐसा क्या है जो उसको परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाते हैं? तो इस पोयम में पढ़ के देखेंगे। मैकेविटीज अ मिस्ट्री कैट, मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट है। ही इज कॉल्ड द हिडन बॉ, हिडन बॉ मतलब इसके अंदर एक कैपेसिटी है कि ये खुद को छिपा लेती है क्राइम करके, उसी को बोलते हैं हिडन बॉ। मतलब इसके ऐसे गायब हो जाती है कि इसके पंजों के निशान भी नहीं मिलते, ठीक है। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डेफी द लॉ, ये एक बहुत मास्टर क्रिमिनल है जो किसी भी तरह के लॉ को तोड़ सकती है। ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, ये बेफलमेंट स्कॉटलैंड यार्ड मतलब स्कॉटलैंड की जो पुलिस फोर्स होती है उसके लिए, और फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर का मतलब होता है कि जब कहीं क्राइम होता है, क्राइम होने के बाद सब चीज़ें डिसअपियर हो जाती है, एक तरह से CID या आप CBI कह सकते हैं ये होती है, उनके लिए एक क्या है, ये बहुत रहस्यमयी है, ठीक है। जो फ्लाइंग स्क्वाड्स होते हैं कि क्या करते हैं, डिसअपियर चीज़ों को भी ढूंढ लेते हैं, जैसे कि CID वगैरह होते हैं, CBI वगैरह वाले होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है। तो ही इज़ अ बेफलमेंट, बेफलमेंट का मतलब क्या होता है, उनके लिए भी रहस्य बनी हुई है, ठीक है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, जब कभी भी वो क्राइम सीन पे पहुँचते हैं तो मैकेविटी वहाँ नहीं होती है। फिर क्या है मैकेविटी, मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो मैकेविटी जैसी कुछ भी वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो सभी ह्यूमन द्वारा बनाए हुए लॉ को, नियमों को तोड़ती है, और वो क्या तोड़ती है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसको भी ये तोड़ती है। क्यों? क्योंकि ये डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फ़कीर स्टेयर, ठीक है। तो ये क्या लिखा है कि जो पावर है उसका लेविटेशन है, वो क्या करता है उसको, उसको एक अद्भुत बनाता है, ठीक है। कहाँ पे थी, यहाँ पे लेविटेशन मीन्स होता है, लेविटेशन मीन्स होता है फ्लोइंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, ठीक है। उसके पास एक और पावर है कि वह हवा में बिना किसी सपोर्ट के क्या कर सकती है, फ्लोट कर सकती है, उड़ सकती है, तैर सकती है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, लेकिन जब आप क्राइम के सीन पे पहुँचेंगे तो मैकेविटी इज़ नॉट देयर, मैकेविटी वहाँ नहीं होती है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, तुम उसे बेसमेंट में देख सकते, मतलब यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, और जब आप उसे कहीं तहखाने में अगर रखते हैं, ठीक है, तहखाने में अगर उसको बंद करेंगे, अगर रखेंगे, मतलब कहने का है कि अगर वो अपने तहखाने में रह भी रहती है तो वो क्या करती है, वो हवा में उड़ रही होती है, उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है फ्लोट करने की, ठीक है। बेसमेंट में तो तहखाना होता है, लेकिन यहाँ कहने का मतलब है कि वो अपने घर में जब होती है। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको बता दूँ कि मैकेविटी इज़ नॉट देयर, मैकेविटी जहाँ क्राइम होता है वहाँ नहीं होती। देखिए यही है मैकेविटी, बिल्ली। आगे देखिए, मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, जिंजर की आकृति की है, जिंजर मतलब क्या होता है, अदरक। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वह बहुत लंबी है लेकिन पतली है, और उसे देख के ही तुम पता कर सकते हो कि वो मैकेविटी, क्योंकि जो उसकी आँखें हैं वो सकेन इन मतलब होता है अंदर की ओर धसी हुई हैं, उसकी जो ब्रोज हैं, आईब्रोज हैं, वो डीपली लाइंड हैं, मतलब कि अच्छे से बनावट उसकी है, और जो उसका हेड है वो डोम शेप का है, डोम समझते हैं क्या होता है, गुंबद जैसा, किसी मॉस्क के ऊपर जो गुंबद जैसा होता है, तो उसका जो हेड है वो गुंबद जैसा है, ठीक है। आगे देखिए,
हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम निगलेक्ट, उसके जो कोट है वो डस्टी मतलब गंदा है, क्यों, क्योंकि वो कभी इसको साफ़ नहीं करती, निगलेक्ट करती है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ब, विस्कर्स क्या होता है, देखिए ये जो इसकी मूंछ होती है ना छोटी छोटी बाल जैसे निकले होते हैं इसको बोलते हैं, ठीक है, ये अनकॉम्ब्ड होते हैं, झरे हुए या कॉम्ब किए हुए नहीं होते हैं। ही स्वैज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मोमेंट्स लाइक अ स्नैक, ये इधर उधर अपने मोमेंट कैसे करती है, जिस तरह से स्नैक अपने सिर को हिलाता है वैसे ही इधर उधर मोमेंट करती है, हिलाती है अपने सिर को। एंड वेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लिप, और जब भी आप सोचेंगे कि आधी सोई हुई है तो नहीं, ये पूरी तरह से जगी हुई होती है। मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, मैकेविटी की तरह कोई नहीं है। फॉर ही इज़ अ फिंड एंड फिलाइन शेप, क्या है ये, फिंड मतलब होता है डेविल और फिलाइन मतलब होता है रिलेटिंग टू अ कैट, मतलब कि एक बिल्ली के रूप में क्या है ये, डेविल है मतलब राक्षस है ये, ठीक है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, मतलब कि जो डिप्रेविटी का मतलब होता है मोरल करप्शन, जो क्या करती है, मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर मतलब भूत प्रेत कह सकते हैं, जो मोरल करप्शन करती है, मोरल करप्शन का मतलब होता है करप्शन समझते हैं ना, और मोरल मतलब नैतिक करप्शन करती है। और आगे देखिए, यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, तुम उसे चलते हुए स्ट्रीट में देख सकते हो, और तुम उसे स्क्वायर मतलब कि इधर उधर कोने में भी देख सकते हो, लेकिन जब भी क्राइम होता है वह मैकेविटी वहाँ नहीं होती है, ठीक। तो बस ये पोएम इतना ही था, यहाँ पे ये पोएम ख़त्म हो गया, इसको लिखा है T.S. Eliot ने, बाकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में बेटर डिस्कस करेंगे, ओके।